हेलो दोस्तों, आज मैं अपने खेत का टूर कराऊंगी। देखो मैंने क्या क्या लगाया है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। ये देखो मैंने गेंदे के पेड़ लगाए हैं, उनकी पौध बीज बोए थे, फूल से ही बीज निकाले थे, वो लगाया, फिर उनकी पौध बन गई, फिर मैंने अलग अलग करके निकाल के इन्हें सबको लगाया। इधर देखो, उधर है, ये देखो ये आलू बोए हैं, अभी सूखे नहीं है, सूखेंगे तब इनको हम निकाल लेंगे। ये भिंडी है, अभी उगी नहीं है, दो दिन हुए हैं, हमने इसको इनको बोया था, तब ऊपर आएगी तो हम मैं दिखाऊंगी इनको, ठीक है। ये टमाटर है, देखो ये टमाटर लगे हुए हैं, ये भी हमने पौध से ही लगाए थे, बीज से भी लगा सकते हैं, मैंने बीज से भी ग्रो किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो देखो इन पे लगे लगे ही पक गए। मैं सोच रही हूँ अब की बार बेल वाले भी लगाऊं टमाटर, पौध ला के जो बेल पे लगते हैं, मैंने कभी लगाए नहीं, अब की बार लगाऊंगी, अगर हुए तो फिर उनको भी लगाया करूंगी। मैंने चना भी लगाया था, जिसको छोले बोलते हैं, साग में साग बनता है इनका, और पक जाने के बाद इनके ऊपर छोले आएंगे, जो मोटे मोटे होते हैं उनके अंदर से निकलते हैं। ये बैंगन की मैंने कटिंग कर दी थी, अब ये ठीक हो गए हैं, कटिंग करने के बाद फूल आने लगे, इन पर नए बैंगन लगेंगे। ये धनिया है, धनिया है, शिमला मिर्च के पेड़ हैं, ये देखो ये प्याज लगाई हुई है इधर, ये देखो पत्ता गोभी है, ये कितनी अच्छी हो रही है देखो, और ये है फूल गोभी, ये भी दोबारा जो पहली फसल थी वो हमने निकाल ली, अब ये दोबारा लगाई है, इसको टाइम लगेगा अभी निकलने में, ठीक है। देखो कितनी अच्छी हो रही है। इसके बाद हम सोच रहे हैं ब्रोकली भी लगाएं, उसे भी लगा के देखें, फिर उसकी भी ट्राई करते रहेंगे, उसे भी लगाते रहेंगे। ये गाजर है, ये गाजर है, ये मूली है, ये मूली है, ये मेथी है, ये मेथी, ये देखो लहसुन है। 4-5 महीने लगते हैं इसको, ये मई जून में निकल जाएगा। ये हमारे घर के लिए बहुत है, हम एक साल के लिए बहुत होता है, हम बाज़ार से हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम घर से ही निकालते हैं, यूज करते हैं इसको निकाल के। ये उधर सब मूली, दोनों पे मूली लगाई हुई है, जगह खाली रह जाती है तो ऐसे ही कुछ भी लगा दो, मूली हुई, गाजर हुई, ये देखो धनिया है, मेथी पालक मिक्स है सारा, ये सारे में, ये पपीते लगाए हैं, ये भी मैंने बीज से ही ग्रो किए थे, जब ये पौध बन गई इनकी निकाल के इन्हें अलग अलग लगा दिया। ये प्याज है, ये देखो हमने लगाई थी, ये बड़ी काफी बड़ी हो गई है, ये इसको पानी वगैरह लगाने के लिए, नुलाई के लिए अगर करते रहो टाइम टाइम पे तो ये जल्दी ग्रो हो जाती है और अच्छी लगती है। इसे भी घर में अपने बाजार से लाने की जरूरत नहीं, जब पक जाएगी तो अपने निकाल लो और अपने रख लो, निकाल के छत पे रख लो, कहीं भी कमरा जैसा कहीं भी सूखी जगह पे रखो, जो पानी वगैरह ना लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की जैसे मैं घर की खेती करती हूँ, आपको हर तरह की खेती के बारे में बताऊंगी, जैसे मैंने कुछ भी लगाया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।